अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम नाज़रीन हज़रात, हमारे यूट्यूब चैनल इमामुद्दीन ऑफिशियल में आप हज़रात का इस्तक़बाल। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से आप अच्छे होंगे और दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अल्लाह पाक सबको अच्छा रखे। देखिए, बड़ा खूबसूरत अमल मैं आप हज़रात की समातों के हवाले कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल जितने लोगों को बताया सबको इस अमल से फ़ायदा हासिल हुआ, सब ने इस अमल से फ़ायदा हासिल किया और मैंने खुद भी इस अमल को जब जब किया है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस अमल से फ़ायदा हासिल हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है आदमी के पास कि उसको पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ जाती है और पैसे उसके पास नहीं होते हैं तो आदमी बड़ा परेशान हो जाता है, तो वो दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, किसी से कर्ज के तौर पर मांगता है लेकिन कोई भी देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसा मौका अगर कभी आ जाए तो आप ये अमल करना जो मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह गैब से पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसा कौन सा अमल है कि जिसके जो करने से हमें गैब से पैसों का इंतज़ाम हो जाए, तो अमल सुनिए। आपको रोज़ाना पांचों वक्त की नमाज के बाद फजर, जहर, असर, मगरिब, इशा, नमाज तो पांचों वक्त की पढ़नी है क्योंकि बग़ैर अल्लाह को राज़ी किए आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते हैं। पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़नी है और पाँचों वक्त की नमाजों के बाद में आपको 501 मरतबा फजर के बाद, जहर के बाद, असर, मगरिब, इशा के बाद 501 मरतबा पढ़ना है या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, ये आपको पढ़ना है पाँचों वक्त की नमाज के बाद। इंशाअल्लाह इसकी बरकतों से गैब से पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। आजमा के देखिए, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन कामिल है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गौसे आज़म के नाम की बरकतों से आपके लिए गैब से पैसों का इंतज़ाम फरमा देगा। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता करे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वअतूबु इलैह वमा अलैना इल्लल बलाग़।